आज का जो केक है ये बिना क्रश के बनेगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला है। तो जब भी इस तरीके का मुझे ऑर्डर आता है तो बिना केक के सॉरी बिना क्रश के मैं बनाती हूँ, और क्या डालती हूँ कि जिससे कस्टमर खाए उसको पता भी ना चले कि क्या डाला हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल अलग फ्लेवर आए इतना समझ में आना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, वंदनास केक गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो केक है मुझे दो फ्लेवर में मैं बोल सकती हूँ इसको कि मुझे बनाना था। एक्चुअली कस्टमर ने जो डिजाइन भेजी वो चॉकलेट का वाला केक था, चॉकलेट गनाश वाला ऊपर से, लेकिन उनको केक के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं चाहिए थी। और जब भी इस तरीके का मुझे ऑर्डर आता है तो मैं क्या ऐड करती हूँ वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नॉर्मल वाटर से अपने केक को सोक करूंगी, क्योंकि कई बार मेरे कस्टमर बोलते हैं कि मुझे बहुत कम मीठा पसंद है, तो आप मीठा कम कीजिएगा। अगर आप चाहे तो अपने वाटर में थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कीजिएगा, बहुत ही औसम टेस्ट आएगा। तो बस आज मैं अपने केक को नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने क्रीम को लगाऊंगी। और ये देखिए ध्यान से कि मैं किस तरीके से अपने क्रीम को इस केक के ऊपर डाल रही हूँ। आपको जब भी क्रीम उठानी है जिसमें आपने बहुत सारी क्रीम गिफ्ट करके रखी है, उसमें गंदा वाला पैलेट नाइफ, गंदा मीन्स जिसमें केक के क्रम्स लगे हैं वो वाला पैलेट नाइफ नहीं डालना है, क्योंकि फिर सारे क्रम्स जो है आपके क्रीम के अंदर आ जाएंगे और फाइनल आइसिंग में वो दिखेगी। तो बस यहाँ पर मैंने क्रीम लगा ली है फर्स्ट लेयर, और ये देखिए मैं अब डालूंगी यहाँ पर कंडेंस मिल्क। जब भी मुझे सिंपल वेनिला केक का ऑर्डर आता है तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बनाती, मैं उसमें कंडेंस मिल्क ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको जब आप खाएंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ ऐड किया हुआ है, मतलब ये पता चलेगा कि कुछ तो अलग है लेकिन क्या ऐड किया हुआ है शायद इसका पता नहीं चलेगा। और आपके पास व्हाइट चॉको चिप्स हैं तो वो भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी खत्म हो गया है, लेकिन इस बार जब मैं ऑर्डर दूंगी, बल्क में ऑर्डर मंगाऊंगी, तो जरूर मैं व्हाइट चॉको चिप्स ही मंगाने वाली हूँ। तो दूसरी लेयर भी हम सेम तरीके से करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसको और ज्यादा रिच बनाने के लिए आप अपने पानी में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे तो और आहा वाला टेस्ट आने वाला है, आप वो भी कर सकते हैं। कई बार मैं बनाती हूँ इस तरीके से भी, कभी उस तरीके से भी, बहुत सारे तरीके हैं। आप मेरी वीडियोस को देखिए, बहुत अलग अलग आपको जानकारी मिलने वाली है कि हम केक को और ज्यादा से ज्यादा टेस्टी कैसे बनाएं। वो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में दिए हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने सेम किया है प्रोसेस, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। आप इसमें चॉको चिप्स डालेंगे तो सच में और अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी है तीसरी लेयर केक की, और इसकी क्रम कोटिंग करके मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। ये जो कस्टमर है ये अक्सर मुझसे वेनिला फ्लेवर का केक लेके जाती है, और मैं हमेशा ऐसे ही उनको बना के देती हूँ। और ये भी बहुत ही अच्छी बात इनके साथ ये है मेरी कि ये मुझे एक दिन पहले हमेशा ऑर्डर देती हैं, मतलब अर्जेंट बेस पे ऑर्डर नहीं देती, तो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाता है उनको केक बना के देना। हड़बड़ी नहीं होती, मुझे पता है कि हाँ कल देना है, तो मैं आराम आराम से सारे काम करती हूँ। लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि मुझे 1 घंटे में, 1 घंटा तो नहीं, 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए। तो वैसे भी हमें चैलेंजेस लेने चाहिए ताकि हम खुद की कैपेबिलिटी को चेक कर सके कि हाँ हम कितने देर में अपने एक केक को बना पाते हैं। आप ट्राई कीजिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे होगा, ये चीज कस्टमर भी आपके समझ के लेंगे, लेकिन आप पीछे मत हटिए कि नहीं 2 घंटे में तो नहीं बन पाएगा, 3 घंटे में तो नहीं बन पाएगा, तो आप खुद की कैपेबिलिटी को चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केक बनाए हैं मात्र 3 घंटे में, 2.5 घंटे में और 2 घंटे में भी बनाए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ऐसा नहीं कभी हुआ है कि मैंने नहीं मैंने केक को के ऑर्डर को कंप्लीट कर पाया है। तो आप भी जब भी ऑर्डर्स आते हैं छोड़िए मत, क्योंकि हम होम बेकर्स को तो वैसे ही घर बैठे
कम ही ऑर्डर्स आते हैं और जिनकी बहुत अच्छे से जम चुकी है बिजनेस, बहुत अच्छा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे होम बेकर्स को कम ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे होम बेकर्स हैं जिनको डेली चार पांच ऑर्डर्स होते हैं सच में। और हम जो है डिजाइनिंग भी अलग अलग यूनिक करते हैं, तो मतलब ऑर्डर्स तो आते ही आते हैं और मुझे भी आ जाते हैं इतने ऑर्डर्स कि मैं आप लोग के लिए वीडियोस ला सकूं और हर बार कुछ नया कुछ अलग सिखा सकूं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी फाइनल आइसिंग भी कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनिंग वाले स्क्रैपर से साइड वॉल को अच्छे से लाइनिंग वाली डिजाइन दे दूंगी और जहाँ पे गैप दिख रहा है मैं वहाँ पर फिर से क्रीम लगाऊंगी ताकि उस गैप को मैं भर के फिर से मैं स्क्रैप करूंगी अपने केक को। तो मैं मोस्टली केक बोर्ड के ऊपर ही अपने केक को बनाती हूँ और केक बोर्ड को लास्ट में क्लीन कर देती हूँ। केक बोर्ड को लास्ट में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे फिनिशिंग चली जाती है हमारे केक की। तो मैं हमेशा जो है केक बोर्ड को गीले कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से लास्ट में पोंछ लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पतली सी शीट ली है जिससे मैं अपने केक को अच्छे से क्लीन करूँ। वैसे ना भी करूँगी तो भी चलेगा, मैं आपको आगे डिज़ाइन दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको कंप्लीट किया है। और ये डिज़ाइन भी मेरे कस्टमर ने ही मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा थीम केक हमें नहीं चाहिए, सिंपल केक चाहिए, डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी और बोला कि इस तरीके का आप बना दीजिए। तो इस केक का मैंने 370 चार्ज किया है। नॉर्मली मैं इस केक का 350 चार्ज करती हूँ और 20 रुपीज़ मैंने चॉकलेट गनाश के ऐड किए हैं, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और जब भी अर्जेंट बेस पर ऑर्डर आता है तो इस तरीके के डिज़ाइन सच में बनाना काफ़ी जल्दी से हो जाता है, तो बनाना भी काफ़ी हमारे लिए और टाइम सेविंग हो जाता है इस तरीके से जब हम डेकोरेट करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फिनिशिंग कर दी है। मैं हर बार आपको बोलती आई हूँ कि बिल्कुल पतली सी शीट रखिए, उससे अपने केक की फिनिशिंग दीजिए, सच में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए मैं किस तरीके से अपने केक को अच्छे से आइसिंग करके फिनिशिंग दे रही हूँ। इस तरीके से आप भी अगर चाहते हैं कि आपके केक में फिनिशिंग आए तो आप ज़रूर इस तरीके से अपने केक को बनाइएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर गीले कपड़े से अपने केक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। तो आप भी इस चीज़ का खास ध्यान दें, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि तो जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी, जितनी अच्छी नीटनेस होगी आपके केक में, उतना ही आपके केक के डिमांड्स बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए और ताकि कस्टमर के साथ जो है एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये देखिए बस मैंने यहाँ पर जिगजैग कर दिया है अपने गनाश से और उसके बाद जो है मैं एक तरफ जो है पूरा इसे फिल कर दूंगी। और बस ये देखिए किस तरीके से मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा गनाश जो है थिक है, थोड़ा सा और लिक्विडी होता तो काफी इजी होता ये फैलिंग, पर ठीक है, ये इसे खाने में सच में और ज्यादा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसे पतला नहीं किया है, इसी तरीके से ड्रिपिंग देने में आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये हार्ड मुझे हो रहा है, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही बनाया और उसके बाद जो है अपने कस्टमर को दिया था। और मैं चॉकलेट गनाश कैसे बनाती हूँ इसकी दो तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैं फुल मेजरमेंट के साथ बताती हूँ ताकि आप लोग को भी काफ़ी इजी हो जाए केक बनाना, और गनाश की भी रेसिपी फुल मेजरमेंट के साथ है, आप एक बार ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अपने गनाश को अच्छे से फैला दिया है और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है ना स्पैचुला, इसे मैंने हल्का सा गर्म किया है डायरेक्ट गैस के फ्लेम के ऊपर और इससे मैं स्मूथ कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा जो चॉकलेट गनाश है स्मूथ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है लेकिन खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती। तो मैंने अपने स्क्रैपर को थोड़ा सा गर्म किया है ताकि मैं इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर सकूं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना आपको कोई नहीं बताएगा, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग हमारे केक में आ गई है। और बस यहाँ पर मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है और उसके बाद बस रैंडमली मुझे इस तरीके से
ये गोल गोल जस्ट बना देना है, और उसके ऊपर मैं यहाँ पर वही चॉकलेट गनाश मैंने लिया है और बस उसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। और बिल्कुल ऐसा ही था मेरे केक में, मेरे क्लाइंट ने जो फोटो भेजी थी केक की, और बस यहाँ साइड में भी छोटे छोटे डॉट्स बने हुए थे। तो बस यहाँ पे मेरा केक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा मेरा आज का टिप्स और ट्रिक्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आज की मेरी वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये रहा केक का फाइनल लुक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।